A warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey. Students, B.sc, second year, यानी कि third sem के statics और dynamics का जो मैंने third chapter शुरू किया था वो chapter का नाम था virtual work. इसका हमने first lecture जो देखा था उसमें हमने virtual work के बारे में पढ़ा था कि virtual work होता क्या है. इसके बाद हमने देखा था tension और thrust में क्या difference होता है, extensible और inextensible rods में क्या difference होता है, और extensible rod में थ्रस्ट और टेंशन से जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इनएक्सटेंसिबल के केस में थ्रस्ट और टेंशन से जो वर्क डन होता है वो कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो ये सारे हमने डेरिवेशन इसके फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे. और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के जो वीडियो है उसमें जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन में हम पूरे सिस्टम में जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है वो कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे, और जो छोटे छोटे फोर्सेस कैलकुलेट करने होते हैं किसी भी सिस्टम में वो फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करने हैं तो वो हम आज के वीडियो में देखेंगे. तो जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आइए शुरू करते हैं. देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, फाइव वेटलेस रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ. पांच रॉड्स हैं, वेटलेस है यानी कि उनका वेट जो है हमको कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि वेट निग्लेक्ट हमको इसके करके चलना है. फाइव रॉड्स है और उनकी लेंथ इक्वल दी हुई है. आर जॉइंट टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ रोम्बस ए बी सी डी विद वन डायगोनल बी डी. इफ अ वेट कैपिटल डब्ल्यू इज अटैच्ड टू सी एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए, ये मेन पॉइंट है इसका, शो दैट देर इज अ थ्रस्ट इन बी डी इक्वल टू W अपॉन रूट थ्री. डायग्राम फॉर्म करते हैं क्योंकि ये जो रोम्बस बन रहा है फाइव रॉड से ये A पॉइंट से सस्पेंडेड है. A पॉइंट से सस्पेंडेड होने का मतलब A पॉइंट इसका फिक्स्ड है. ये रोम्बस हमने बना लिया और इनकी लेंथ इक्वल है तो ये लेंथ हम मान लेते हैं कि एक रॉड की लेंथ कितनी है 2A, तो इसका मतलब बाकी रॉड्स की लेंथ भी 2A रहेगी. और ये तो फोर रॉड्स हो गई और जो बीच में एक रॉड है वो BD है. ये हमारा रोम्बस बन रहा है और इस सी पॉइंट पे कैपिटल W एक वेट जो है वो अटैच्ड है यहां से, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये एंगल मान लेते हैं थीटा. तो आपको निकालना है थ्रस्ट. आपको पहले के वीडियो में क्लियरली ये बता दिया था कि जो थ्रस्ट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और जो टेंशन है वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. और थ्रस्ट में जब हम फोर्स लेंगे तो वो पॉजिटिव ले आ जाएगा और टेंशन के केस में वो फोर्स नेगेटिव ले आ जाएगा. तो होगा क्या, जो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो सिस्टम हमारा बना हुआ है इसमें अगर आपको वर्चुअल वर्क का रूल अप्लाई करना है तो उस रूल के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है उसको एक बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन होगा उसी को हम वर्चुअल वर्क बोलते हैं. अगर इस सिस्टम की बात करें, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे, इधर से उधर से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे तो सिस्टम कहीं भी मूव नहीं करेगा. लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर इसमें छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट अगर होता है उस केस में, अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में वर्क डन कितना होगा वो छोटे छोटे फोर्सेस जो इस सिस्टम में लग रहे हैं. तो वो छोटे छोटे फोर्सेस आपको देखने हैं कि कौन कौन से फोर्सेस उसमें लग रहे हैं. आप देखेंगे अगर इस डायग्राम में तो एक डब्ल्यू फोर्स नीचे को लग रहा है, एक टेंशन लग रही है, सॉरी एक थ्रस्ट लग रही है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं. इसके अलावा इस सिस्टम में और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं. इन फोर्सेस से आपको वर्क डन निकालना है. तो ये सिस्टम हमारा है टी, ये फोर्स हो गया और ये टी किस पे लग रहा है, बी डी पे. तो ये हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसका, बी डी का. अगर टेंशन होगी तो माइनस का टी लिया जाएगा. एक डब्ल्यू वेट है, ये भी एक फोर्स, सॉरी वर्क डन जो होता है फोर्स ये लग रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिस पॉइंट से पूरा सिस्टम सस्पेंडेड है उस फिक्स्ड पॉइंट से ही डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा. तो ये W का जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा, डिस्टेंस जो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो ये डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि डेल ए सी. और ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में मैंने आपको बताया था कि इनका जो स्मॉल वर्क डन है उनका जो सम होगा वो जीरो होता है. तो फोर्सेस आपको देखने हैं और आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है उस पॉइंट से जहां से पॉइंट सिस्टम सस्पेंडेड है. अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट ऊपर से नीचे को हो रहा है
तो उस केस में अगर इस पॉइंट से नीचे पॉइंट है जो फोर्स वाला पॉइंट है और जो फिक्स पॉइंट है अगर वो ऊपर है तो उस केस में डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी। अगर डब्ल्यू यहाँ लग रहा होता और जो फिक्स पॉइंट है अगर वो नीचे होता तो उस केस में आपको इस डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। बी डी क्या होगा, इस बी ओ का डबल होगा, तो डेल ट्वाइस ऑफ बी ओ प्लस डब्ल्यू। ए सी किसका डबल होगा, ट्वाइस ऑफ ए ओ, टू बाहर ले लेते हैं, डेल बी ओ प्लस टू यहां भी बाहर ले लेते हैं, डेल ए ओ इक्वल्स टू जीरो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो बी ओ निकालने के लिए परपेंडिकुलर आ रही हो, परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो होता है, साइन वाला, तो हो जाएगा टू टी डेल टू ए साइन थीटा, टू ए साइन थीटा प्लस टू डब्ल्यू ए ओ। इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस, और बेस में कौन सा रेशियो आता है, कॉस, तो ये हो जाएगा डेल हाइपोटेन्यूस 2a cos थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगा 4at sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा डेल थीटा, और इसका हो जाएगा माइनस में 4aw sin थीटा डेल थीटा। एक तो 4a बाहर आ रहा है और डेल थीटा बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा t cos थीटा माइनस w sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू w sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, w tan थीटा। ये t क्या था, थ्रस्ट, लेकिन ये थ्रस्ट अगर हम इस थीटा की बात करें, इस थीटा की बात करें तो ये 2a है, ये भी 2a है क्योंकि रॉड इक्वल थी और एक रॉड ये है 2a, तो ये कैसा ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूरा एंगल कितने का होता है, 60 का। तो ये थीटा कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में थीटा हो जाएगा 60 का हाफ यानी कि 30 पाई बाय 6। तो ये पाई बाय 6 यहां रखते हैं, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन पाई बाय 6, टेन 30 होता है 1/√3, तो थ्रस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 1/√3, और ये थ्रस्ट हमको इस क्वेश्चन में प्रूव भी करना है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको फोर्सेस देखने हैं कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वो थ्रस्ट है या टेंशन है, थ्रस्ट है तो पॉजिटिव, टेंशन है तो नेगेटिव, और डिस्टेंस अगर ऊपर से नीचे को मेजरमेंट हो रही है तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर होगी तो नेगेटिव, और जितने वर्क डन हो रहे हैं उन वर्क डन का जो सम होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से वो क्या होगा, जीरो। बस वो इक्वेशन बनानी है और इक्विलिब्रियम में जो एंगल है वो एंगल यूज करना है, आपको थ्रस्ट या टेंशन जो भी निकालना है वो मिल जाएगा। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, इस न्यूमेरिकल में फोर इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट डब्ल्यू आर फ्रीली जॉइंटेड टू फॉर्म अ रोम्बस ABCD। तो फोर रॉड्स हमको लेनी है और ये रॉड्स से एक रोम्बस बन रहा है ABCD। चारों रॉड्स का जो वेट है वो क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है। द फ्रेमवर्क इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए, यानी कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो है ए पॉइंट, ABCD। ये चार पॉइंट से रोम्बस बन रहा है। इस रोम्बस में क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड्स हैं और इक्वल भी हैं, तो एक रॉड की लेंथ 2a ले लेते हैं, ऑटोमेटिकली चारों रॉड्स की लेंथ क्या होगी, 2a। अ वेट कैपिटल W इज अटैच्ड ईच ऑफ जॉइंट्स BC एंड D। इस B पॉइंट पे भी एक W वेट कैपिटल W, C पॉइंट पे भी और D पॉइंट पे भी, तीनों पॉइंट्स पे एक वेट जो है कैपिटल W अटैच्ड है। तो इसके आगे क्या है, इफ टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल P एक्टिंग एट B and D कीप द एंगल BAD इक्वल टू 120 डिग्री। कंडीशन ये है कि इस B और D पे इस एंगल BAD को 120 बनाने के लिए एक फोर्स और वर्क कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये एंगल 120 है तो ये एंगल चेंज ना हो, ये अंदर को पुश ना हो या बाहर को ना हो, इसके लिए एक फोर्स इसमें लग रहा है, वो फोर्स क्या है, पी। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसमें जो फोर्स पी लग रहा है उस फोर्स पी की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। उसी तरीके से ये एंगल थीटा हम ले लेते हैं, टोटल क्योंकि 120 है तो इक्विलिब्रियम में जब हम थीटा यूज करेंगे तो वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो मैंने आपको कंडीशंस क्या क्या बताई कि आपको देखना है कि कौन कौन से फोर्सेज इसमें वर्क कर रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमने किया उसमें
वेटलेस रॉड्स थी, तो कोई भी वेट इन रॉड्स का वेट काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो रॉड्स हैं उनका वेट है स्मॉल डब्ल्यू, तो चारों रॉड्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 4W। और अगर कोई भी बॉडी सिमेट्रिकल बॉडी अगर है तो उसका जो टोटल वेट है वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है, तो यानी कि इन चारों रॉड्स का जो वेट होगा वो कितना होगा, 4W, स्मॉल डब्ल्यू, वो इसके सेंटर पे वर्क करेगा। तो सिमेट्रिकल बॉडी में जो टोटल वेट होगा उस बॉडी का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करेगा, तो 4W यहाँ पे ले लिया। तो आपको कितने फोर्सेस मिल रहे हैं, एक पी फोर्स, एक 4W, एक ये कैपिटल डब्ल्यू वाला फोर्स। इन फोर्सेस से इक्वेशन बनानी है, वर्क डन निकालना है, और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से उन तीनों फोर्सेस जो वर्क डन करेंगे उनसे जो वर्क डन का सम होगा वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो देखते हैं, 4W स्मॉल डब्ल्यू, इसमें लेंथ क्योंकि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन गया है ए, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डेल एओ प्लस पी, पी में कौन सी लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ डेल बी डी, ये डब्ल्यू जो वेट है और ये डब्ल्यू जो वेट है, इनका जो लेंथ का मेजरमेंट होगा ए पॉइंट से, और क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होंगी, डब्ल्यू और डब्ल्यू कितना हो गया, 2W, और इनकी लेंथ दोनों इक्वल है और ये लेंथ किसके इक्वल है, एओ, तो डेल एओ लिख सकते हैं इसको। और इस डब्ल्यू के लिए कौन सी लेंथ आएगी, ए सी, डेल ए सी। बस आपको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, इसके अलावा और कोई फोर्स इसमें वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से इन सारे वर्क डन का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो 4W डेल एओ, ये जो लेंथ है एओ इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस है, तो क्या हो जाएगा, डेल 2A कॉस थीटा प्लस पी डेल बी डी, बी डी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी ओ, बी ओ का ट्वाइस, बी ओ इसके रिस्पेक्ट में क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो 2A साइन थीटा, यानी कि 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4A साइन थीटा प्लस 2W कैपिटल W डेल एओ, एओ क्या था, बेस, बेस में क्या आ जाएगा फिर से, कॉस थीटा, 2A कॉस थीटा प्लस कैपिटल W, ए सी, ए सी क्या है, डबल है किसका, एओ का, और एओ क्या है इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में थीटा के रिस्पेक्ट में बेस है, तो 2A कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। बस ये मेन इक्वेशन है जो आपको फॉर्म करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 8W ए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डेल थीटा, इसका 4AP साइन थीटा का कॉस थीटा डेल थीटा, अगला टर्म कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 4AW साइन थीटा डेल थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 4A कैपिटल W कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डेल थीटा। तो एक तो डेल थीटा इसमें से हट जा रहा है, और सब में ए कॉमन आ रहा है तो ए भी हट जाएगा, और सब में फोर भी कॉमन आ रहा है तो फोर भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 स्मॉल W साइन थीटा, यहाँ बचेगा पी कॉस थीटा, यहाँ बचेगा फोर कॉमन लिया हुआ है हमने W साइन थीटा, यहाँ बचेगा माइनस, फोर ए कॉमन लिया है तो कितना बचेगा, W साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो कितना हो जाएगा, ये तीनों टर्म्स राइट साइड में जाएंगे, तो पी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2W साइन थीटा, और ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, प्लस 2W साइन थीटा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 स्मॉल W प्लस कैपिटल W, ये कॉस साइन के अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इसके बाद पी की वैल्यू निकालने के लिए 2 स्मॉल W कैपिटल W, आपको स्टार्टिंग में थीटा बता दिया था मैंने, थीटा कितना रखना है, टेन 60, और टेन 60 क्या होता है, √3, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल W प्लस कैपिटल W 2√3, ये किसकी वैल्यू हो गई, वो फोर्स जो इस एंगल 120 को चेंज ना होने में इसकी मदद कर रहा था, या इसकी हेल्प कर रहा था, हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल BAD है इसको चेंज ना होने के लिए जो फोर्स वर्क कर रहा था, इस पी की वैल्यू ये हो जाएगी, और इसी क्वेश्चन में हमको ये फोर्स प्रूफ करना था, W प्लस W 2√3। तो मेन जो कंसेप्ट है वो आपको क्या समझना है कि कितने फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और उन फोर्सेस से जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा
उससे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन का सम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क से जीरो रखना है, और सिंप्लीफाई करके आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है फोर्स की वो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं।